देखती आंखों सुनते कानों को अस्मती का सलाम। वेलकम टू एश आइकन। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। तो यार आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि बहुत सिंपल है विद नो मेजरमेंट्स कि आपको वो जो आप ब्लीच बनाते हैं सब कुछ करते हैं। मैं आज आपको स्किन वाइटनिंग ब्लीच बताने वाली हूँ और बहुत चीप प्राइस में होगा और इंशाल्लाह इसके भी बहुत अच्छे बहुत awesome रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये नो मेजरमेंट्स है, मींस कि आपको स्पून का यूज़ नहीं करना, आपको ये चीज़ें कि ये इस तरह करना है उस तरह मिक्स करना है, कोई ऐसा इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जैसे चीज़ मैं बता रही हूँ वैसे आप इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अपने रिज़ल्ट्स अपने फीडबैक्स मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और कोई कन्फ्यूजन मेरी वीडियोज़ में लगे तो आप ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उन सब चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करूँगी। अब आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ 10 रुपीज़ में ब्लीच। इट्स रियली अमेजिंग केयर ब्लीच क्रीम, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में मिलती है, हर कोने में आपको मिल जाएगी, ईजिली अवेलेबल होती है मार्केट में, नहीं तो इससे रेलिवेंट ब्लीच क्रीम्स मिल जाती हैं। अब आपने करना क्या है, ये जो इसके अंदर से दोनों साशेज़ निकलते हैं आपने इसको ओपन करके इसमें से साशेज निकाल लेने हैं। इसमें ये देख लें, ये केयर ईजिली अवेलेबल होती है मार्केट में पीच, और ये इसमें से दो ये निकलेंगे, हमने पूरे इस बाउल में निकाल लेने हैं। ये देख लें, आप पानी पी लें। पानी इसलिए भी लाया था कि आपको पता है कि जो मर्ज़ी लगा लें, जो पानी से ग्लो आना है वो किसी चीज़ से नहीं आ सकता। तो ये देख लें इतनी ज़्यादा होती है, 10 रुपीज़ तो हैं ही ज़्यादा इसके साथ भी, लेकिन इसमें से सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी क्रीम की निकली है, ये आपके सामने है। और मैं आपके साथ बिल्कुल ज़्यादा नहीं करूँगी, आपको बिल्कुल ऑनेस्ट चीज़ें बताऊँगी जो आप यूज़ करके अपने लिए अपनी स्किन को ज़ीरो डैमेज के साथ इंशाल्लाह अच्छी बना सकते हैं। और ये देख लें, ये जो भी निकल रहा है ये आपके सामने है, बिल्कुल अबाउट अ पिंच, मेरे ख्याल से अब इट्स नॉट मोर देन अ पिंच। ये थोड़ा सा डस्ट भी आ रही है आपको लेंस पे, गुड। ये सब इसमें से निकला है। अब आपने करना क्या है कि इसके अंदर आप डालेंगे ये जस्ट 2, और ये देखें जस्ट अबाउट ड्रॉप्स, ये जो है ये आप डालेंगे स्किन शाइनर। ये सॉफ्ट टच का ईजिली मार्केट में अवेलेबल होता है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, बहुत हार्डली हुआ 200 रुपए का मिल जाता है। ये देखें, ये मैं डालूंगी बस थोड़ा सा बस, ठीक है, ये आपके सामने है। ये मैंने इसमें 3 to 4 ड्रॉप्स जो है मैंने इसके डाल दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें डालने वाली हूँ वो और भी अच्छा रिज़ल्ट देगी, बस उसकी बात ये है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप डालिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यही यूज़ करना है। आपके घर में कोई भी लोशन अवेलेबल हो आप वो डाल लें, और अगर आपके घर में कोई लोशन अवेलेबल नहीं होता तो बिल्कुल हेडेक करने की अपने आपको ज़रूरत नहीं है, ना किसी किस्म की टेंशन लें। थोड़ा सा आधी चमची मलाई लें जो दूध के ऊपर आई होती है वो डाल लें। और अगर अब मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने ये अभी फेस के लिए नहीं बना रही, मैं अपने हैंड्स के लिए बना रही हूँ, आई रिपीट कि ये हैंड्स के लिए बन रही है, फीट के लिए बन रही है, फेस के लिए बिल्कुल नहीं बना रही मैं। जब मैं यही फॉर्मूला यही चीज़ आपको बताऊँगी फेस के लिए तो उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा, तो ये मैं आपको हैंड एंड फीट के लिए बता रही हूँ। तो इसमें मैं डालने वाली हूँ ये इतनी सी क्रीम में, बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी क्रीम में, ये 2 कैप्सूल्स ये आपके सामने हैं, ये वही वाइटनिंग कैप्सूल, वो मैजिकल कैप्सूल्स हैं जो मैं आपको क्रीम में भी यूज़ करना बता चुकी हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा ये वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं जो मार्केट से इजीली अवेलेबल होते हैं। सो लेट्स बिगिन, मैं इसको ऐड करती हूँ। ये देखें, 1 कैप्सूल मैं इसके अंदर थ्रो कर चुकी थी, मैंने कहा कोई कन्फ्यूजन ना मेरे फ्रेंड्स को रह जाए इसलिए मैंने बता दिया। और ये दूसरा मैं इसमें डालने लगी हूँ, ये देख लें, ये पूरा कैप्सूल इसके अंदर मैंने डाल दिया है ये, ठीक है। और अब मैं इसे करूँगी मिक्स और आपको फिर बताऊँगी कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना, इतनी सी क्वांटिटी है, इस साइड से करूँगी तो वेस्ट हो जाएगा, सो आई एम यूजिंग दिस साइड। एंड ट्रस्ट मी यार, ये बहुत अच्छा है, आपके हैंड एंड फीट बिल्कुल फौरन वाइट हो जाएंगे, इंशाल्लाह बहुत फेयर लुक देंगे। तो ये जो है आपने इस तरह से इसको मिक्स करना है, और मैं आपके सामने अभी अप्लाई करके आपको बताऊँगी और आपके सामने रिज़ल्ट भी फौरन शेयर करूँगी। तो आपने इसको मिक्स करके तो अपने हैंड एंड फीट पे
अप्लाई करना है और उसको लगा के 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। अब मैं इसको करती हूँ अप्लाई आपके सामने। ये मेरे पास ब्रश है, सिंपली मैंने करना क्या है, ये देखिए मैंने अपने हैंड से रिंग रिमूव कर दी है और ये मैं अप्लाई करूँगी आपके सामने। आप देख सकते हैं आपने इसी तरह स्मूथली इसको अपने हैंड पे अप्लाई कर लेना है, अपने फीट पे अप्लाई करना है, उसको 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। फिर आप देखेंगे कि आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं भी सिर्फ अपने एक ही हैंड पे अप्लाई करूँगी जस्ट टू शो यू गाइस कि जो मैं चीज़ बताती हूँ वो ऑथेंटिक है। आपको मेरे दोनों हैंड्स में डिफरेंस नज़र आएगा और आप खुद देख के खुद ही जज करेंगे। ये अप्लाई हो चुका है और ये देख लें, ये ऑलमोस्ट एक साशे जो था वो मैंने अपने थोड़े से आम को आम के साइड पे जाते हुए बाजू पे भी जितना आ सकता है मैं यूज़ कर लूँगी। और ये अप्लाई करके मैं अभी आपके सामने इसे 10-15 डेज मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी और आप देखिएगा कि आपके सामने मैं शेयर करूँगी रिज़ल्ट। सो गाइज आई एम बैक अगैन आफ्टर 15 मिनट्स। तो अब मैं आपके सामने इसके लाइव रिज़ल्ट शो करूँगी। तो आपने भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा कि कुछ आपको इससे फ़ायदा हुआ है। तो ये मैं आपके सामने 15 मिनट्स के बाद इसको रिमूव करने लगी हूँ एंड हियर आर द रिजल्ट्स। ये आप देख सकते हैं जो भी है जैसा भी हुआ है, फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा है, सब आपके सामने है। आप खुद देखेंगे। और प्लीज़ कोई भी बात हो, कोई आपके माइंड में कोई क्वेरी आ रही है, कुछ बात है, कुछ ऐसा टॉपिक मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, किसी बात पे कुछ सजेशन है, कुछ नहीं समझ आ रहा या मुझे कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हर बात को फुलफ़िल किया जाए जो जायज़ हो। सो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे दोनों हैंड्स आपके सामने हैं। ये देखें ये आप देख सकते हैं डिफरेंस भी, ये आपके सामने है। ये मैं आपको क्लोजअप कर देती हूँ अपना आर्म, तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंस आपके सामने है। अगर जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया है, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है, आप उसी तरह से बनाएं ये ब्लीचिंग क्रीम, तो इंशाल्लाह विद नो कॉस्ट आपके सामने है, बिल्कुल चीप प्राइस में आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा विद नो स्किन डैमेज। कोई ऐसा इशू नहीं है, सब चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, यूज़ की हैं तभी आपको मैं एडवाइस कर रही हूँ। तो अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यार ये अब आप देख सकते हैं मेरे दोनों हैंड्स आपके सामने हैं, एक पे मैंने अप्लाई किया था, दूसरे पे नहीं किया था। और ये देखें, ये सबसे जो बात इम्पॉर्टेंट कंसिडर करने की है वो ये है कि मैंने वन टाइम अप्लाई किया है। तो अभी जो मैं बाहर जाती हूँ, सन एक्सफोलिएशन जो भी मेरे साथ होता है किचन में काम करने से, जो बर्तन धोने से बार बार, घर में काम तो करने ही पड़ते हैं सबको, तो जो भी है ये वो डर्ट रिमूव हुई है, वो जो मेरे स्किन की ऊपर की गंदगी थी वो रिमूव हुई है। अगर मैं रूटीन में करती रहूँगी तो आप भी अच्छे रिजल्ट ले सकेंगे। तो फर्स्ट गो में इतना अच्छा रिजल्ट मिला इज़ नॉट बैड। तो प्लीज़ आप भी रूटीन रखिए, अपने स्किन की केयर कीजिए और अच्छे रिजल्ट्स मिलें तो ज़रूर मुझसे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलूँगी मैं आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई अच्छी सी अमेजिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।